अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खैर आफियत से रखे। और आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रिंकल्स के लिए, जो फाइन लाइन्स हमारे फेस पे आ जाती हैं और बहुत सारे लोगों के एज से पहले आ जाती हैं। मोस्टली जो रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ जो आती हैं ना, ड्राइनेस की वजह से आती हैं। ठीक है, लोग जो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव भी होती है और ड्राई भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फाइन लाइन्स चेहरे पे उम्र से पहले आ जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं। ठीक है, आगे आना ज़रा बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर मैंने लिए विटामिन ई का ये ऑयल है। ठीक है, ये सिर्फ एक ड्रॉप मैंने लिया है और थोड़ा सा ये आलमंड ऑयल है, एक ड्रॉप मैं इसका डालूँगी। ठीक है, और जाएगा इसमें चंद कतरे इसके ग्लिसरीन के जाएंगे। ये एलोवेरा जेल है और आपने ये के बाज़ार का ही लेना है, जो घर का होता है ना बहुत सारी स्किन पे वो सूट नहीं करता है, और वैसे भी उसके अंदर वो ज़रा थोड़े से ना क्या कहते हैं रह जाते हैं, सारा अच्छी तरह से ना होता नहीं है मेल्ट ना। और ये है वाइटनिंग कैप्सूल। ठीक है, और क्योंकि मेरी स्किन पे भी जो एलोवेरा है ना, जो मेरे घर में भी लगा हुआ है, गमलों में मैंने लगाया हुआ है, मेरी स्किन पे वो सूट नहीं करता। मैं जैसे ही उसको लगाती हूँ मेरी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, रेशेज़ आ जाते हैं और ख़ारिश होने लग जाती है ना, रेडनेस हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो ये एलोवेरा जेल जो मैं लेके आई थी ये बहुत अच्छा है। और ये किसका है, पहले मेरे पास रिवाज का था, ये डर्मा सेंस का है। इसके अंदर बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है और बहुत अच्छा है। ठीक है, ये विटामिन ऑयल है, अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इवियन का कैप्सूल जो वो भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बस चंद कतरे ये डालूँगी इसमें। और चंद कतरे इसके डालूँगी। ठीक है, आलमंड ऑयल के। और ये है ग्लिसरीन। ठीक है, थोड़ी सी ये जाएगी और ये एलोवेरा जेल है। ये जाएगा इसमें। ठीक है, और एक वाइटनिंग कैप्सूल जो है ये काट के मैं डाल लूँगी। ठीक है, ये जाएगा वाइटनिंग कैप्सूल। अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरह से वो कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ठीक है, लेकिन ना क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा बिल्कुल वाइट फॉर्म में ना। ये देखिए, ये देखिए, ये इस फॉर्म में ना वाइट टेक्सचर इसका बन गया है और ये बहुत स्मूथ है। और क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, इसको जो है रात के टाइम अपना फेस वॉश करें अच्छी तरह से और इसको सारे चेहरे पे आराम से लगा लें, जिस तरह हम एक आम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं ना। आप यकीन करें आपकी स्किन के रिंकल्स जो हैं वो दिनों में जाएंगे और आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज भी करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आलमंड ऑयल और विटामिन ई का ऑयल डाला है जो कि स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, और ग्लिसरीन है जो कि हमारी स्किन को जो है ड्राई नहीं होने देती है। ड्राई स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत अच्छी। और आपने लगाना ये सिर्फ रात के टाइम है। ठीक है, दिन को जो है ये ज़्यादा सूट नहीं करता है। रात को आपने फेस वॉश करके आपने डेली रात को ये लाजमी लगाना है। और विंटर में स्किन तो वैसे भी मोस्टली ड्राई रहती है, हम लोग पानी कम पीते हैं इसलिए भी, और कुछ जाहिर है कि भी मौसम जो है वो सर्द होता है, वो हमारी स्किन को ड्राई करता है। इसमें जो ग्लिसरीन है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है और वो मॉइस्चराइज़र का काम करती है, और इवियन और विटामिन ई का जो ऑयल है ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, और वो एलोवेरा जेल जो है ये तो सबको ही पता है कि स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। तो ठीक है, ये होम रेमेडी थी ड्राई स्किन के लिए, रिंकल्स के लिए, फेस पे जो फाइन लाइंस आती हैं उसके लिए। आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए और तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना। बहुत आसान है, सारी चीज़ें घर में इंशाल्लाह मौजूद होंगी। हाँ, अगर मैंने कहा ना विटामिन ई का ऑयल नहीं है तो आप इवियन का कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आलमंड ऑयल आप इस्तेमाल कर लें आराम से, ये आपको वही फ़ायदा देगी जो कि ये विटामिन ई का ऑयल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, मैं करता सब लोगों का लाभ।